बसपा हल्ला बोल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने लखनऊ में युवाओं की 22 मांगों को लेकर एक पंपलेट जारी किया है, जिसमें बेरोजगारी, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देगी, लेकिन 5 लाख से अधिक रिक्त सरकारी पदों पर अभी तक सरकार ने नियुक्ति नहीं की है, और अगर युवा नौकरी मांगता है तो उसको लाठियां मिलती हैं, अगर नौकरी के लिए विरोध प्रदर्शन करता है तो उस पर मुकदमे दर्ज होते हैं और जेल में डाला जाता है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के युवाओं से रोजगार के नाम पर सिर्फ छलावा किया है, बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई सरकार आज नौकरियों में कटौती, भर्तियों में भ्रष्टाचार, परीक्षा में पेपर लीक और बहाली में लेट लतीफी का पर्याय बन गई है। 12 जनवरी के बाद युवा महापंचायतों का होगा आयोजन, अब युवा हल्ला बोल का संगठन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाएगा और ऐसी सरकार चुनने की बात करेगा जो बेरोजगारों को रोजगार दे सके, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अच्छी दे सके। देखिए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और हमारा मानना है कि कोई भी विधानसभा चुनाव अवसर होता है कि सरकार के 5 साल के कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए, जो चुनावी बहस है, चुनावी विमर्श है, उसमें उन मुद्दों पे बात, सवाल, जवाब, संवाद होना चाहिए जो मुद्दे आम लोगों के जीवन को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। हमारी ये चिंता है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव फिर से ऐसे मुद्दों पर न चला जाए जिससे आपको, हमको और विशेष तौर पर बेरोजगार युवाओं को कोई मतलब ही नहीं है, उनके जीवन पर जिसका कोई असर ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि आने वाले 2-2.5 महीनों में उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान हम अपना कैंपेन चलाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो सत्ता होगी वो युवा तय करेंगे। युवाओं के एजेंडा पर उत्तर प्रदेश का चुनावी विमर्श होगा। इसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट है, देखिए, युवाओं की यूपी, ये आज हम लोगों ने जारी किया। ये डॉक्यूमेंट जो है, इसमें 22 प्रश्न हैं, 22 ऐसे प्रश्न हैं जो सवाल हमारे, आपके और विशेष तौर पे युवाओं के जीवन को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं, जो पढ़ाई, कमाई, दवाई से संबंधित मुद्दे हैं, जो रोज़गार, सरकारी भर्तियों से संबंधित मुद्दे हैं। इन सवालों को लेकर हम 2 चरण में कैंपेन कर रहे हैं। पहले चरण में हम प्रदेशव्यापी यात्रा करेंगे, सभी जिलों में जिलावार बैठकें करेंगे अपने साथियों के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ विशेष तौर पर, और दूसरे चरण में 12 जनवरी जो नेशनल यूथ डे है उसके बाद से हम उत्तर प्रदेश के कई शहरों में युवा महापंचायतों का आयोजन करेंगे ताकि हम इन 22 सवालों को, इस एजेंडे को, युवाओं के एजेंडे को उत्तर प्रदेश के चुनाव में केंद्रीय रूप से स्थापित कर सकें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/